मंच पर विराजमान पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान दिलीप घोष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्रीमान राहुल सिन्हा, राष्ट्रीय सचिव श्रीमान सिद्धार्थनाथ, श्रीमान कमल बेरीवाल, डॉक्टर सुभाष सरकार, श्रीमान राजू बनर्जी, श्रीमान चंद्र कुमार बोस, श्रीमती देवी सिंह चौधरी, श्रीमान के शर्मा, श्रीमान प्रभाकर तिवारी और विशाल संख्या में पधारे हुए कोलकाता के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अमार प्रियो भाई और बहनेरो, शुभ नव वर्षो। आपना देर भालो भाषा देखे खूब भालो लागछे। आपनारा सबाई केमन आछेन? मेरे प्यारे कलकत्ता के मतदाता भाइयों और बहनों, ये चुनाव कौन एमएलए बने, कौन एमएलए न बने, इस सीमित उद्देश्य से नहीं है। यह चुनाव किसकी सरकार बने किसकी न बने, इस सीमित उद्देश्य से भी नहीं है। यह चुनाव इस बात के लिए है कि बंगाल का भविष्य क्या होगा, बंगाल के नौजवानों का भविष्य क्या होगा। सत्तर साल होने आए देश को, आजादी को 70 साल होने आए। अगर सरकारें चलाई तो कांग्रेस ने चलाई, सरकारें चलाई तो लेफ्ट ने चलाई, अगर सरकारें चलाई तो टीएमसी ने चलाई। इस चुनाव के मैदान में चार दल है, चार। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन है, तीसरी तरफ टीएमसी है। आपने बाकी तीन लोगों की सरकारें देखी है, उनके कारनामे भी देखे हैं, उनका कारोबार भी देखा है। क्या अब भी ऐसे लोगों पे भरोसा करने की गलती करेंगे आप लोग? क्या ऐसे लोगों पर भरोसा करने की गलती कोलकाता कर सकता है? ऐसे लोगों पे भरोसा करने की गलती पश्चिम बंगाल कर सकता है?
जिन लोगों को पूरे देश ने नकार दिया, क्या आप उनको गले लगाओगे? कभी लगा सकते हो क्या? पश्चिम बंगाल तो कभी गलती नहीं कर सकता है, लेकिन शायद हिंदुस्तान में जितने भले लोग पश्चिम बंगाल में हैं, जितने उदार चरित्र के लोग पश्चिम बंगाल में हैं, शायद ही हिंदुस्तान में ऐसे स्वभाव के लोग नजर आएंगे। अगर किसी और राज्य में सरकारों ने ऐसी दुर्दशा की होती, वहां की जनता उनका मुंह तक नहीं देखती। लेकिन ये आप लोग हैं, बड़े भले लोग हैं, उदार लोग हैं कि कोई माफी मांग ले तो आप मान लेते हैं, कोई हाथ जोड़ ले तो आप मान लेते हैं, कोई आपका प्यारा नारा बोल ले तो आप मान जाते हैं। और इसी का दुरुपयोग भरपूर दुरुपयोग पश्चिम बंगाल की जनता की भावनाओं का भरपूर एक्सप्लोइटेशन करने में ये माहिर हो गए हैं। अंग्रेजों को भी जब आए तो अपना डेरा तंबू डालने का मन कहां कर गया? यही कर गया, क्योंकि उन्होंने पाया कि ये भले लोग हैं, इनके साथ तो कुछ भी करके अपनी गाड़ी चला लेंगे। और आजादी के बाद कांग्रेस आई, उन्होंने भी कभी आपकी परवाह नहीं की, फिर भरोसा किया लेफ्ट वाले आए, तीन तीन दशक तक आंख बंद करके ले जाओ भाई, चलो कुछ करो। और जब नहीं किया तो पश्चिम बंगाल की जनता ने कांग्रेस को एक बार हटाया तो बाद में चार दशक तक कांग्रेस की यहां कुछ नहीं चली। फिर लेफ्ट को हटाया, उनका भी भविष्य खतरे में है, आप देखते हैं। बड़ी आशा के साथ दीदी को लाए, पश्चिम बंगाल के परिवर्तन के लिए लाए, लेकिन परिवर्तन दीदी में ही हो गया। मैं पश्चिम बंगाल के मेरे प्यारे भाइयों बहनों आपसे कहना चाहता हूं, जब तक आपको बर्बाद करने वालों को सजा नहीं देंगे, ये कोई सुधरने वाले नहीं है। और एक बार आप उनको सजा करना शुरू कीजिए, हर पांच साल हिसाब देना पड़ेगा और कुछ अच्छा काम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन आज तो वो हर एक को अपने जेब में ही मानते हैं। मैं तो हैरान हूं, ये लेफ्ट और कांग्रेस वाले ये पश्चिम बंगाल के लोगों को समझते क्या है? वे भले हैं, संवेदनशील है, आदर्शों और मूल्यों के लिए जीने वाले लोग हैं, लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस ये मानती हो कि ये नई पीढ़ी मूर्ख है, फिर तो आप गलतफहमी में हो, गलतफहमी में हो। आज पश्चिम बंगाल का नौजवान को आप मूर्ख समझ करके काम मत करो। मैं इसलिए कह रहा हूं, कोई सिद्धांतों के खातिर
समझौता करे, हम समझ सकते हैं। कोई बाहर से समर्थन करके सरकार चलने के लिए मेहनत मदद करे, कुछ पल के लिए समझा जा सकता है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है कि जो नेता पश्चिम बंगाल में आकर के लेफ्ट वाले भाषण करते हैं, वो यहां से केरल जाते हैं, 2-2.5 घंटे में केरल पहुंचते हैं और वहां कांग्रेस को भरपूर गालियां देते हैं। कांग्रेस वाले यहां पर लेप को गले लगाते हैं, ऐसे गले लगाते हैं, ऐसे गले लगाते हैं कि उनका भी रंग लाल होने लग गया है। लेकिन केरल में जाते हैं तो ये भी लेप वालों को भरपूर सुनाते हैं, दुनिया भर की सुनाते हैं। ये बात समझ में नहीं आती है कि केरल में तो कुश्ती और पश्चिम बंगाल में दोस्ती, ये धोखा है, धोखा। ये जनता के साथ धोखा करने का आपने पाप किया है। अगर गठबंधन करने जैसे हैं तो केरल में भी करो, और अगर गठबंधन करने जैसे नहीं है तो बंगाल में भी मत करो। लेकिन ये गठबंधन किस चीज के लिए हो रहा है? आदर्शों के लिए, सिद्धांतों के लिए, पश्चिम बंगाल की भलाई के लिए? जी नहीं, मरता क्या न करता। उनकी नैया डूब चुकी है। कभी 440 लोग पार्लियामेंट में बैठते थे, आज 40-44 पर आ गए, 40-44 पर आ गए। और इसलिए वे सहारा ढूंढ रहे हैं। ये बंगाल को बचाने के लिए नहीं हो रहा है, ये अपने दल को बचाने के लिए बंगाल की धरती पर खेल खेले जा रहे हैं। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं नौजवानों से विशेष आग्रह करता हूं, ये यहां बुद्धिमान लोग हैं, समझदार लोग हैं, और मैं आवाहन करता हूं देश के बुद्धिजीवियों को भी, इस देश ने अलग अलग प्रकार की सरकारों के मॉडल देखे हैं। देश ने पिछले 60 साल में कांग्रेस सरकार का मॉडल देखा है, देश ने कम्युनिस्ट सरकार का मॉडल देखा है, देश ने प्रादेशिक पक्षों का मॉडल देखा है, देश ने प्रादेशिक व्यक्ति केंद्रित पार्टियों का कारोबार भी देखा है, और देश ने भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी देखी है। अब समय की मांग है, हर किसी को जहां जहां मौका मिला ये 25-50 पैरामीटर तय किए जाएं, और किस सरकार ने क्या परफॉर्म किया उसका जरा एक हिसाब किताब किया जाए। मैं दावे से कहता हूं, मैं विश्वास से कहता हूं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर मिला है, वहां की राज्य की स्थिति आमूलचूल परिवर्तन आया है, बदलाव आया है, विकास हुआ है। और कोई इस कसौटी पर खड़े नहीं उतरे, लेप को क्या नहीं मिली यहां के जनता की मदद, क्या दिया आपको? मैं तो हैरान हूं जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुस्तान का शिरमोर हुआ करता था कोलकाता बंगाल, आज कहां से कहां ला करके छोड़ दिया। और दीदी, आप, हम तो बहुत दूर रहते थे लेकिन अखबारों में, टीवी पर कभी देखते थे,
भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसी आप आवाज उठाती थी, आप कैसी लड़ाई लड़ती थी, आप पुलिस के डंडे झेलती थी, लेप के साथ जूझती थी। आज इतना बड़ा नारदा हो गया और आप चुप बैठी हैं। ये परिवर्तन क्या ये जनता के साथ धोखा नहीं है? क्या कारण है कि ऐसे लोगों को बख्शा जा रहा है? और इनकी मिलीभगत देखिए, यहां पर तो लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन है, केरल में लेफ्ट और कांग्रेस आमने सामने लड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में लेफ्ट, कांग्रेस, एनडीडी तीनों मिले जुले हैं। आप पिछले 2 साल में पार्लियामेंट में जो कुछ भी हुआ देख लीजिए, तीनों ने सब कुछ मिलकर के किया है। इतना ही नहीं, ये नारदा के लोग, इनके खिलाफ लोकसभा में एथिक कमेटी के सामने, मूल्य समिति सिद्धांत और मूल्यों की रखवाली करने का कमेटी के सामने पार्लियामेंट ने अपना एक विषय रख दिया, जांच करो ये पैसों की लूट चली है, क्या हुआ है, क्या एक सांसद की जो कंडक्ट है वो ठीक है क्या? लेकिन वो चीज राज्यसभा में नहीं हुई, क्योंकि राज्यसभा में हम बहुमत में नहीं है, वहां तो दीदी लेफ्ट और कांग्रेस इन्हीं की चलती है, और वहां पर मामला एथिक कमेटी में नहीं दिया गया। नारदा के गुनहगारों को बचाने का काम हुआ, और आप एक ही प्रकार के लोग यही कारोबार करते रहोगे, और पूरा हिंदुस्तान चौंक गया। टीवी के कैमरा के सामने अभी कितना लाए हो, और ऐसे कुर्ते के जखे जेब में, अगला किस्त कब दोगे? अच्छा ऐसा करो, उधर जो मेरा एक है ना, उसको भी दे के आओ। कैमरा के सामने ये रुपयों की लूट, ये रुपये किसके हैं? ये रुपये किसके हैं भाइयों बहनों? किसके पैसे हैं ये? ये जनता जनार्दन के पैसे हैं जो कैमरा के सामने लूटे गए हैं, मेरे भाइयों बहनों, लूटे गए। कैसे लोगों को माफ करोगे आप? क्या सार्वजनिक जीवन ऐसा चलेगा? और इसलिए मैं आज आह्वान करता हूं कि ऐसे लोगों को एक पल भी सरकार में रहने का हक नहीं है। यहां पर विवेकानंद ब्रिज, क्या गुनाह था उन निर्दोष लोगों का जिन्हें अपना जान गंवानी पड़ी, उन परिवारों ने किसी को अपना बेटा खोना पड़ा, किसी बहन को अपना भाई खोना पड़ा, किसी बहन को अपना पति खोना पड़ा, क्या गुनाह था उनका? कौन जिम्मेवार इसके लिए? और ये नारदा में जो जो नजर आते हैं वही शारदा में नजर आते हैं, जो शारदा में नजर आते हैं वही विवेकानंद ब्रिज में भी नजर आते हैं। मतलब ये पाप करने की परंपरा से ये सारे लोग जुड़े हुए हैं। भाइयों बहनों, मैं तो हैरान हूं, क्या पश्चिम बंगाल को सिंडिकेट कल्चर चलने देना है क्या? नहीं चलने देना है क्या? क्या बंगाल बचेगा क्या सिंडिकेट के हाथों में जियोगे तो? किसी की जान बचेगी क्या? मैंने तो सुना यहां एक हाईकोर्ट जज ने शिकायत करनी पड़ी
कि यहां तो सब कुछ सिंडिकेट के बिना होता ही नहीं। हाईकोर्ट जज को, भाइयों बहनों, जो न्याय हाईकोर्ट नहीं दे पाई वो न्याय देने की ताकत आपके हाथ में है। ऐसी सजा करो, ऐसी सजा करो, ताकि फिर से कभी ऐसा पाप करने को हिम्मत ना करे। और ये लेफ्ट भी सिंडिकेट कल्चर को ही लेके आगे बढ़ी थी, और दीदी को वो सूट कर जाता है। दीदी उसको ऐसे ही चीजें स्वीकार कर लेती है। भाइयों बहनों, आप ये समझ के चलिए, लेफ्ट ने जो छोड़ा था उसी को दीदी ने आगे बढ़ाया है। जितनी बुराइयां लेफ्ट ने बंगाल के लिए छोड़ी, उन सारी बुराइयों में बढ़ोतरी करने का काम ये दीदी ने किया है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, देश के विकास करने वाले राज्यों की बराबरी में आना है तो बंगाल को इन तीनों से मुक्ति दिलानी पड़ेगी, तीनों से मुक्ति दिलानी पड़ेगी। आप हिंदुस्तान देखिए, पश्चिम भारत, अगर कोलकाता का नौजवान रोजगार के लिए जाएंगे तो कहां जाएगा? आसाम जाता है क्या? बिहार जाता है क्या? उड़ीसा जाता है क्या? अगर जाएगा तो बेंगलोर जाएगा, मुंबई जाएगा, अहमदाबाद जाएगा, जयपुर जाएगा। क्यों? हिंदुस्तान के पश्चिमी छोर पर विकास दिखता है, विकास हो रहा है, लेकिन क्या कारण है कि पूरा पूर्वी हिंदुस्तान मुसीबतों से गुजारा कर रहा है? क्या कारण? ऐसे कौन लोगों ने यहां सरकारें चलाई? ऐसे कौन लोगों पर आपने भरोसा किया कि पूरा पूर्वी हिंदुस्तान आज अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं रह पा रहा? चलने की बात तो छोड़ दीजिए, आगे बढ़ने की बात तो छोड़ दीजिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्या हाल है? उड़ीसा का क्या हाल है? बिहार का क्या हाल है? पश्चिम बंगाल तो आपके सामने है, आसाम का क्या हाल है? नॉर्थ ईस्ट का क्या हाल है? भाइयों बहनों, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरा एक सपना है, ये सपना मुझे पूरा करना है। और मेरा सपना है, जैसे शरीर में हम कितने ही 6 फुट के हो, बढ़िया वजन हो, सब हो, लेकिन अगर एक हाथ हमारा दुर्बल है तो कोई हमें स्वस्थ नहीं मानता है। बाकी सब बराबर हो तो भी कोई हमें स्वस्थ नहीं मानता है, लेकिन जब शरीर के सभी अंग स्वस्थ हो तभी स्वस्थ मानते हैं। ये मेरी भारत माता भी स्वस्थ, समृद्ध, संपन्न तब तक नहीं बन सकती जब तक कि हिंदुस्तान के सभी और समान रूप से उसका विकास न हुआ हो, पूर्वी हिंदुस्तान भी पश्चिम की बराबरी करता हो। यह ताकत होनी चाहिए, और इसलिए पश्चिम बंगाल को यह ताकत देने का सपना लेकर के मैं चल रहा। कभी कभी तो लगता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे लेफ्ट हो चाहे दीदी हो चाहे कांग्रेस लेफ्ट का गठबंधन हो, इन्होंने पश्चिम बंगाल को और कोलकाता को, विशेष रूप से ओल्ड एज होम बना के रखा है। जवान लोग हैं
वो अपना गांव शहर छोड़ करके रोजी रोटी कमाने जा रहे हैं और बूढ़े मां बाप यहां बचे हुए हैं। एक प्रकार से पूरे प्रदेश को यहां से जवानों को हिजरत करनी पड़े, ये हाल रखा है भाई। क्या कोई नौजवान अपने बूढ़े मां बाप को छोड़ करके कहीं और जाना पसंद करेगा क्या? करेगा क्या? करेगा क्या? अपना गांव, गलियां, खलिहान, यार दोस्त, खुली हवा, खुला आसमान, उसे छोड़ करके जाने का कोई पसंद करेगा क्या? लेकिन आज बंगाल के नौजवानों को मां बाप का पेट भरने के लिए, सम्मान से जीने के लिए, कुछ कमाने के लिए अपने बूढ़े मां बाप को छोड़ करके कहीं बड़े शहरों की गलियों में गुजारा करना पड़ता है, झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारनी पड़ती है भाई। एक जमाना था हिंदुस्तान भर के लोग पश्चिम बंगाल आने के लिए लालायित हुआ करते थे। कोलकाता में जिंदगी का कुछ पल बिताने मिल जाए तो देश का कोई भी नागरिक गर्व करता था। आज आपने हालत ये बना करके रखी कि यहां के नौजवान को छोड़ करके जाने के लिए मजबूर कर दिया। और इसलिए भाइयों बहनों, इन समस्याओं का समाधान है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अरे डूबी हुई नैया को भी पार निकाला जा सकता है अगर मांझी में दम हो तो। और इसलिए भाइयों बहनों, अगर इन समस्याओं से बचना है, बंगाल के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित करना है, बंगाल देश को आगे बढ़ाए, ऐसा ताकतवर बनाना है, तो उसके लिए एक ही उपाय है भाइयों बहनों, एक ही उपाय। और मेरा इसके लिए 3 पॉइंट का एजेंडा है। मेरा पहला पॉइंट है विकास। अगर हमें बंगाल को बाहर लाना है मुसीबतों से, अगर हमें नौजवान को रोजगार देना है, हमारे किसानों को मूल्य देना है, सड़कें बनानी है, बिजली पहुंचानी है, उद्योग लगाने हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज लाना है, तो ये सब एक ही बात से संभव होगा। और इसलिए मेरा पहला एजेंडा है विकास। बताएंगे आप कौन सा है मेरा पहला एजेंडा? क्या है मेरा पहला एजेंडा? क्या है पहला एजेंडा? मेरा दूसरा एजेंडा है तेज गति से विकास। क्या है मेरा दूसरा एजेंडा? क्या है दूसरा एजेंडा? और मेरा तीसरा एजेंडा है चारों तरफ विकास, चारों तरफ विकास। मुझे बताइए, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और उन्होंने कहा, और लेफ्टवालों ने बहुत तालियां बजाई थी उस समय, बहुत तालियां बजाई थी। उन्होंने कहा कि बैंक गरीबों के लिए होनी चाहिए, बैंकों के दरवाजे गरीबों के लिए खुलने चाहिए। भाइयों बहनों, आजादी के 70 साल होने जा रहे हैं। मैं जब दिल्ली में बैठा, इस देश के 40% से भी ज्यादा गरीब ऐसे थे जिन्होंने कभी बैंक का दरवाजा नहीं देखा था। गरीब को कभी बैंक के अंदर पैर रखने की इजाजत का माहौल नहीं था। और उसका परिणाम क्या आया? गरीब कुछ पैसे बचाना चाहता था, कुछ ब्याज मिले चाहता था, बच्ची बड़ी हो जाए तो शादी करवाना चाहता था, बेटा बड़ा हो तो पढ़ाई करवाना चाहता था,
हो सके तो एकाध छोटा सा घर लेने का मोहब्बत आए तो लेने का इरादा रखता था, और इसलिए वो बेचारा अपनी जो कुछ भी कमाई थी बचा बचा करके कहीं रखना चाहता था। लेकिन बैंक के दरवाजे बंद थे और बैंक के दरवाजे बंद थे इसलिए वो बेचारा गरीब शारदा चिटफंड में पैसे रखने के लिए मजबूर हो गया। और सिर्फ उसके पैसे नहीं गए मेरे भाइयों बहनों, 50, 100, 200 करोड़ रुपए का मुद्दा नहीं है, लाखों लाखों गरीबों के सपने चूर चूर हो गए हैं। उसकी बेटी जिसकी शादी कर रही थी वो बेटी कमारी रह गई है, जिस बेटे को वो पढ़ाना चाहता था वो बेटे को अब नौकरी में मजदूरी पर लगाना पड़ा है। ये पाप शारदा चिटफंड वालों ने किया है। लेकिन कांग्रेस ने लेफ्ट में ये कभी बैंकों के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दिए होते तो शायद शायद मेरे गरीबों को शारदा चिटफंड की ओर जाना नहीं पड़ता और इस प्रकार से उनके साथ धोखाधड़ी हुई वो न होती। उपाय हमने खोजा, हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना बनाई, गरीब से गरीब को कहा खाता खोलो, उसके पास खाता खोलने के लिए पैसा नहीं था, बैंक वालों का नियम था कि मिनिमम कुछ पैसा दे तभी खाता खुलता है, हमने नियम बदल दिया। अरे गरीब से बड़ा कोई ईमानदार नहीं होता है, उसके पास पैसे नहीं है तो भी बैंक का खाता खोल दो, जो स्टेशनरी का खर्चा होगा वो सरकार भुगतेगी। और इस देश के करोड़ों करोड़ों गरीबों के बैंक के खाते खोल दिए और बैंक वाले गरीबों के घर गए। जिस गरीब को कभी बैंक के दरवाजे पर पहुंचने की संभावना नहीं थी उस बैंक के बड़े बड़े अफसर गरीबों के घर पर जाकर के उनको बनाने लग गए। और गरीबों की अमीरी देखिए, जब गरीबों की अमीरी देखते हैं ना तो मन करता है कि इनके लिए जितना करे उतना कम है। गरीबों को जीरो जीरो अमाउंट से बैंक अकाउंट खोलना था, लेकिन गरीब ईमानदार होता है, मूल्यनिष्ठ भी होता है, उसने कहा मोदी जी ने ठीक किया, बिना पैसे खाता तो खुल जाएगा लेकिन ऐसा तो नहीं होगा, कुछ तो देना चाहिए। और गरीबों ने जीरो बैलेंस से अकाउंट खोलने के बजाय किसी ने 50, किसी ने 100, किसी ने 200 रुपया डाला और करीब करीब 30,000 करोड़ रुपया गरीबों ने प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट में जमा करवाया। 30,000 करोड़ रुपया छोटी अमाउंट नहीं है, ये मेरे गरीबों की अमेरिका का उदाहरण है, मेरे गरीबों की अमेरिका उदाहरण। लेकिन ये व्यवस्था नहीं थी तो कोई शारदा चिटफंड वाले गरीबों को गुमराह करके उसके रुपये लूट लेते थे। भाइयों बहनों, व्यवस्थाएं कैसे बदली जाती है आपको मालूम है? हमारे देश में कभी अगर गैस का सिलेंडर भी लेना हो ना तो सिफारिश के बिना नहीं मिलता था, नेता के घर चप्पल घिसने पड़ते थे, नेता का कुर्ता पकड़ करके घूमना पड़ता था, यार कुछ करो साहब एक गैस का सिलेंडर का कनेक्शन दिलवा दो। यहां बहुत लोग ऐसे बैठे होंगे जिनके घर में आज भी गैस का सिलेंडर नहीं होगा। भाइयों बहनों, गरीबों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग और चुनाव आते ही गरीब 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 ये माला जपने वाले लोग, उन तो कभी ये नहीं विचार आया कि सच्चे अर्थ में गैस सिलेंडर के कनेक्शन की जरूरत किसको है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक गरीब मां
जब लकड़ी से चूल्हे से आग जला करके खाना पकाती है तो वैज्ञानिक कहते हैं कि एक दिवस में उस मां के शरीर में 400 सिगरेट जितना धुआं चला जाता है, 400 सिगरेट जितना। मुझे बताइए उस गरीब मां की तबीयत का क्या होगा, उस मां के बच्चों का क्या होगा, उस परिवार का क्या होगा। ये गरीबों के लिए बातें करने वाले लोगों को कभी सूझी नहीं, वो तो चुनाव आता था तो 12 सिलेंडर के 9 सिलेंडर इसी का ही झगड़ा करते थे। उनको ये विचार नहीं आया कि अगर गरीब के घर में गैस का चूल्हा पहुंच जाएगा तो 400 सिगरेट के धुएं से जी रही मां को मुक्ति मिल जाएगी। और भाइयों बहनों, मैंने अभियान चलाया गत एक वर्ष में, और आजादी के बाद हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है कि एक साल में 1 करोड़ गरीब परिवारों को गैस का सिलेंडर दे दिया गया। हिंदुस्तान में कुल 25 करोड़ परिवार करीब करीब है, थोड़े कम थोड़े अधिक, 25 करोड़ परिवार पूरे देश में, 25 करोड़ परिवारों में से 1 करोड़ परिवारों को गैस का कनेक्शन मिला। ये ईमानदारी से मैं कहता हूं, ये गरीब लोग हैं, गरीब परिवार है। और ये मेरी सफलता के बाद मैंने तय किया, इस बार बजट में भी कहा कि इन गरीब माताओं को 400 सिगरेट प्रतिदिन जितना धुआं उनके शरीर में जाता है इनको बचाना चाहिए। और हमने सपना लिया है आने वाले 3 साल में 5 करोड़ गरीब परिवारों के घर में गैस का सिलेंडर होगा, चूल्हा होगा। भाई, गरीबों के लिए काम कैसे होता है इसका यह उदाहरण है। लेकिन भाइयों बहनों, इनको सत्ता की राजनीति, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, मेरे और तेरे, इसके सिवाय कुछ करना नहीं है। मैं पूरे देश में मेक इन इंडिया का अभियान चला रहा हूं। दुनिया भर से ऐतिहासिक रूप से FDI आ रही है, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हो, सबका सब लोग कह रहे हैं आज पूरी दुनिया में अगर तेज गति से कोई चल रहा है तो हिंदुस्तान चल रहा है, आर्थिक विकास की ओर चल रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, इस आर्थिक विकास की यात्रा का लाभ नौजवान को मिलना चाहिए, रोजगार के अवसर बढ़ने चाहिए। और हमारी सारी योजना के केंद्र में रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में काम चल रहा है और तेज गति से चल रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं बंगाल का भाग्य बदलने के लिए, विकास के लिए वोट मांगने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने आया हूं, दुर्दशा से मुक्ति के लिए वोट मांगने आया हूं। और एक तीसरा ऑल्टरनेट देकर के देखिए, आपको पता चलेगा सरकार किसको कहते हैं, अच्छी सरकार किसको कहते हैं, लोगों के लिए काम करने वाली सरकार किसको कहते हैं, इसका पता चलेगा आपको। आज भी 18,000 गांव आजादी के 70 साल होने आए, बिजली का खंभा तक न पहुंचा हो। मैंने बीड़ा उठाया, 1,000 दिन में इन 18,000 गांवों में खंभा भी पहुंचाऊंगा, तार भी लगाऊंगा और करंट भी चालू कर दूंगा। और हो सकता है जिस प्रकार से काम में लगी है सरकार, सर 1,000 दिन से पहले भी कर ले पूरा इसको, वरना अफसर तो मुझे शुरुआत में 7-7 साल कह रहे थे, लेकिन आज समय सीमा में बांध दिया तो परिवर्तन आ रहा है। मेरे भाइयों बहनों, समय की मांग है, बच्चों की पढ़ाई, नौजवानों की कमाई और बुजुर्गों की दवाई। और इसलिए इन मूलभूत बातों को लेकर के हम पश्चिम बंगाल में
आपकी सेवा करना चाहते हैं। मैं हैरान हूं, चुनाव क्या चुनाव में कभी पराजय हो ही नहीं सकता क्या? अरे लोकतंत्र है, कभी जय भी होता है पराजय भी होता है। दीदी इतनी बौखला क्या गई हो? अरे पराजय हो जाएगा तो कुछ सीखोगी, दोबारा जनता अगर आप सही करोगी तो स्वीकार करेगी। पराजय का ऐसा भय पैठ गया, दीदी को ऐसा भय पैठ गया है कि अब वो इलेक्शन कमीशन से ही लड़ पड़ी है। अरे चुनाव लड़ना है बीजेपी से, चुनाव लड़ना है कांग्रेस से, और आप इलेक्शन कमीशन से ही लड़ रही हो। ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आपने जो लड़ाई चलाई है ना, वो आपके पराजय की स्वीकृति है, पराजय की स्वीकृति है। अरे खेल के मैदान में खिलाड़ी अन्याय दिखता है तो भी एम्पायर की बात मानता है, कभी एम्पायर की चुनौती नहीं देता है। आप एम्पायर को चुनौती दे रहे हो। और आपकी शिकायत हो तो इलेक्शन कमीशन में जाकर के आप अपनी बात बताइए। लेकिन एक पश्चिम बंगाल का हाल तो देखो, नोटिस गया तृणमूल पार्टी की नेता ममता दीदी को, नोटिस गया भवानीपुर की कैंडिडेट ममता दीदी को, और जवाब कौन दे रहा है? जवाब पश्चिम बंगाल का मुख्य सचिव दे रहा है। क्या पार्टी और सरकार में कोई फर्क बचा है कि नहीं बचा है? अरे इसका जवाब आपकी पार्टी की तरफ से जाना चाहिए था, आपके वकील की तरफ से जाना चाहिए था, आपकी खुद की तरफ से जाना चाहिए था। सरकार आपके लिए जवाब दे, इससे साफ साफ हो जाता है कि यहां पर सरकार का कितना दुरुपयोग इस चुनाव में आप कर रही है। दीदी 5 साल आराम कीजिए, क्या क्या गलतियां हुई उस पर चिंतन कीजिए, फिर कुछ अच्छा करने का संकल्प कीजिए। ये पश्चिम बंगाल की जनता है, 5 साल के बाद आपको माफ करके फिर दोबारा मौका देगी, लेकिन इस बार तो आपका जाना तय है। और लेबर कांग्रेस केरल में कुश्ती, बंगाल में दोस्ती, ये बंगाल के गले उतरने वाली बात नहीं, ये बंगाल के गले उतर वाली बात नहीं है, ये कभी नहीं चल सकता। ये धोखेबाजी लोकतंत्र में नहीं चल सकती है, कतई नहीं चल सकती है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, एक तरफ बंगाल का भविष्य अंधकार में बनता चला जा रहा है, दूसरी तरफ धोखेबाजी हो रही है, तीसरी तरफ एक नया ऑल्टरनेट आपके सामने आया है। दिल्ली पूरी तरह आपकी मदद करने के लिए तैयार है, देश आपकी मदद करने के लिए तैयार है। मैं आपको निमंत्रण देता हूं, आइए भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए, हमारे सभी साथियों को विजयी बनाइए, और पश्चिम बंगाल का भविष्य तय कीजिए, नौजवान आपका भविष्य तय करिए। इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।